हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राफ्टेड क्लास। सो इस प्लेलिस्ट में जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। साफ साफ के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल। देखो क्या होता है पॉलिनोमियल। मैं अगर इस टर्म की बात करूं ना, पॉली बेटा, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे, ठीक। और अगर मैं इस टर्म की बात करूं नोमियल, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी मेरी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो, क्या हो? बहुत सारी टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैं बताता हूं आपको क्या है, समझना। तो देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, दैट कंटेन्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स सच दैट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर, ठीक है। समझो मैंने क्या कहा कि कोई भी एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हो, क्या हो? जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। अभी बताता हूं कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का क्या फंडा है, ठीक। और जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर होल नंबर। और होल नंबर आप जानते हो सब क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो अगर आपके पास में कोई भी कैसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है विच कंटेन्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स सच दैट पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है वो आपका? पॉलिनोमियल, ठीक। चलो देखो, बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की। इसकी बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो अपने आप में क्या हो, स्टैटिक हो। क्या हो? अपने आप में स्टैटिक, जो कि क्या है? फिक्स है। तो कोई भी ऐसी टर्म, ठीक है, कोई भी ऐसी टर्म जो कि क्या हो, अपने आप में स्टैटिक हो, जो चेंज ना कर सके, जिसको हम, वो क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। क्या होती है? कॉन्स्टेंट। लेकिन वेरिएबल क्या है ना, वेरिएबल वो टर्म होती है जो अकॉर्डिंगली वेरी करती रहती है। क्या करती रहती है? वेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टू। फिक्स है, ठीक है, सब इसको टू ही बोलेंगे, ठीक। अब मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स, और मैंने कहा आपसे कि चलो अपने मन में इस एक्स की कोई वैल्यू सोचो, ठीक है, कोई भी नंबर सोचो। तो अब क्या होगा, सबके मन में अलग अलग नंबर आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा होगा, ये वेरी कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्यों निकल कर आया, वही मान लो कि मेरे पास में कोई एक सर्कल है, ठीक। मैंने कहा इसकी जो रेडियस है ना, वो 2 यूनिट है। इसकी रेडियस कितनी है? 2 यूनिट। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसकी सर्कमफेरेंस बता दो, तो आप बोलोगे सर्कमफेरेंस होती है 2πr। r की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो 2 × 2 = 4π। 4π क्या आ जाएगी? इसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगी। 4π यूनिट इसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगी, ठीक। वहीं पर मैंने आपसे कहा कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, क्या है? कोई एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो एक वेरिएबल है, जिसकी रेडियस क्या है? एक वेरिएबल एक्स। और अब मैं इसकी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बोलता हूं, तो आप बोलोगे अब इसकी सर्कमफेरेंस आएगी 2πx। क्या आएगी? 2πx। तो वेरिएबल का फायदा क्या हुआ? वेरिएबल का फायदा ये हुआ कि जब आपने कॉन्स्टेंट लिया था, तो आप सिर्फ सर्कमफेरेंस ऐसे सर्कल के निकाल पा रहे थे जिसकी जिसकी रेडियस कितनी है? 2 यूनिट है। लेकिन जब मैंने इसकी रेडियस को x मान लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो? x कुछ भी पुट कर सकते हो। कोई भी मेरा रेडियस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सर्कल्स के आप क्या निकाल सकते हो? सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो। ये फायदा होता है मेरा किसका? वेरिएबल का, ठीक। तो ये चीजें क्या करती हैं? वेरिएबल्स अपने आप को अलग अलग अकॉर्डिंगली चेंज करती रहती हैं, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो नॉर्मली जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, अगर मुझे एक्सप्रेस करने होंगे पॉलिनोमियल में, तो उनको ना ए बी
सी डी, इन सबसे हम एक्सप्रेस करते हैं किनको, कॉन्स्टेंट्स को, कहां पर, पॉलिनोमियल में। और वेरिएबल्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं अपने वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। जब पॉलीनोमियल आएगा हमारे पास में, हम पढ़ेंगे किसी पॉलीनोमियल की फॉर्म, तो उसके अंदर हम कॉन्स्टेंट्स को ए बी सी डी, अगर देखो नंबर लिखा हुआ है तब तो पता ही है कॉन्स्टेंट है, अदरवाइज हम जनरली ए बी सी या डी इन सबसे एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स हैं। और जो बाद वाले अल्फाबेट्स हैं हमारे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इनसे हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को, ठीक, क्लियर है यहां तक, चलो बहुत अच्छा। देखो मैंने ना कुछ एक्सप्रेशन लिख रखी हैं, एक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, एक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, एक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। ऑब्जर्व करोगे तो मुझे अपने वेरिएबल्स भी नजर आ रहे हैं और कॉन्स्टेंट भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, टू हो गया, थ्री हो गया, वन हो गया यहाँ पे। अब आपसे अगर कोई बोले कि बताओ क्या ये पॉलीनोमियल होंगे कि नहीं होंगे, तो मैंने आपसे बताया था कि एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों होने चाहिए, लेकिन वो पॉलीनोमियल है या नहीं है वो कौन बताएगा, वही बताएगा कि अगर आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर हो। तो पहले वाले में देखूं, अगर मैं यहां पर x है और x की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 मेरा एक होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो x की पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1 है, और 1 मेरा एक होल नंबर है तो भी ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना मेरी, वो एक पॉलीनोमियल है, ठीक। इसको देखो, वही एक तो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, क्या लिखा है, वाई स्क्वायर, तो यहां तो बात ठीक है कि वेरिएबल मेरा वाई है और उसकी पावर 2 है, 2 मेरा होल नंबर है, प्लस एक और वेरिएबल तो नजर आ रहा है मुझे, वाई फिर से नजर आ रहा है, लेकिन इस बार क्या ये रूट वाई है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इसका रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो पावर हाफ ये 1/2 मेरा क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पूरी एक्सप्रेशन आपकी पॉलीनोमियल ही नहीं है, क्लियर। अब ऐसे ही एक्स प्लस 1/x की बात करूं तो यहां पर भी ध्यान से समझना, ये एक्स तो मेरा ठीक है, लेकिन जो अगले वाला एक्स है ना 1/x, तो 1/x कायदे में x की पावर -1 है, ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, हम तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऊपर लेके जाएंगे इसको। और अब अगर पहली वाली टर्म को देखूं तो x की पावर 1 ठीक है, होल नंबर है, लेकिन यहां पर x की पावर क्या आ गई, -1 आ गई, और -1 एक होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली एक्सप्रेशन भी मेरी पॉलीनोमियल नहीं है। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपकी पॉलीनोमियल कब होगी, जब उसके अंदर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल है तो भी चलेगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट है तो भी पॉलीनोमियल होता, भी आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होना चाहिए, अगर होल नंबर है तो ही वो पॉलीनोमियल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक। तो छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीनोमियल हमारे कैसे कैसे तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा, क्लियर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलीनोमियल की डेफिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मिलते हैं अगले पार्ट में, गुड बाय, टेक केयर।